हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, मैं आज आपको लेके आया हूँ हमारे मकान की छत पे। एकदम चारों तरफ किस प्रकार से हरियाली जो बनी हुई है वो दिखाने के लिए। देखिए किस तरह से बिल्कुल चारों ओर प्रकृति ने किस प्रकार से अपना सुंदर रूप प्रस्तुत कर रही है। देखिए किस तरह से हरियाली छाई हुई है। बारिश के मौसम का दृश्य जिसमें चारों ओर फसलें लहलाती हुई, देखिए सामने गवार का खेत जिसमें बहुत ही सुंदर दृश्य। और ये है हमारा कटेल, सॉरी कटेल नहीं, व्हील व्हील का पौधा जिसमें व्हील लगना शुरू। और एक देखिए वो, उसमें भी सामने छोटे छोटे व्हील आना शुरू हो गए हैं। और एक पौधा ये, इसमें ये पौधा बड़ा होने की वजह से इसमें थोड़ा अच्छी क्वालिटी का व्हील आता हुआ। देखिए सामने में रोड, जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये बाजरे की फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यह है हमारा नीचे टिन शेड, सामने गार्डन में अशोका के पौधे, नीम के पौधे और आंवले के पौधे ये लगे हुए हैं। और ये पीछे में हमारा घर, जो ये घर का नज़ारा, ये पीछे में घर के पीछे में गार्डन, ये लोन, ये देखिए कितना सुंदर, अति सुंदर चारों ओर की हरियाली। ये देखिए हमारे वो ताई जी खाना बनाती हुई, कच्ची रसोई पे चूल्हे की रोटी जो बनाती हुई, प्रिंस अमन कमल खाना खाते हुए। प्रिंस चौधरी देखो इधर, वो देखिए वो आया प्रिंस खाना खाते हुए। अभी मैं चारों तरफ का दृश्य और दिखाता हूँ आपको। वो सूर्य भगवान अस्त होते हुए बहुत शानदार दृश्य बहुत ही सुंदर मौसम। और
मैं आपको गांव की हरियाली से रूबरू कराने के लिए आया हूं। देखिए किस तरह से मतलब गांव में हरियाली छाई हुई है बारिश के मौसम में। फसलें, पेड़ पौधे, सभी पशु पक्षियों की चहचहाने की, पक्षियों की आवाज़, एक बहुत ही सुंदर, इसको हम कह सकते हैं कि नज़ारा और दृश्य। देखिए देखिए चारों ओर, ये सामने फार्म हाउस का दृश्य, देखिए। ओके, बाय गाइस। बाय।